नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर का पॉलिस्टर की बफिंग कैसे करते हैं। सिर का पॉलिस्टर की बफिंग करने के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले हमारे ऐसे पेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो ये देखिए, ये बफिंग किया हुआ है। ऐसे बफिंग करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे। एक ही वीडियो में बफिंग के लिए पूरी जानकारी देंगे, तो बने रहना हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। पूरा वीडियो देखना, तभी आपको पूरी तरह से समझ आएगा। तो ये देखिए, ये हमारा टेबल का टॉप है। ये देखिए, कुछ ऐसी चमक आएगी। तो उसको सबसे पहले आपको 400 नंबर से रेगमार से 400 नंबर से सैंडिंग कर लेनी है, वो भी गुटके से या मशीन से। गुटके की मदद से 400 नंबर करने के बाद आपको 600 नंबर लगाना है रेगमार पानी के साथ। 600 नंबर लगने के बाद फिर आपको 1500 नंबर का 1000 नंबर लगाना है, और 1000 नंबर रेगमार लगाने के बाद आपको 1500 नंबर का रेगमार लगाना है, और 1500 के बाद फिर आप 2000 नंबर का इसमें रेगमार लगाएं। 2000 के बाद आप 3000 का रेगमार लगाएं। जब 3000 आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ये सुपर कट, आपको पाई क्रिस्टल की रबिंग लेनी है सुपर कट का। तो फिर इसको आपको 3 बार ये रबिंग लगानी है सुपर कट की। जो रेड वाला डब्बा है उसको आपको सबसे पहले उसको लगाना है, वो भी पैड की मदद लगा देना है और पानी डाल देना है, और मशीन से आपको जो ग्राइंडर मशीन है बफर पैड से उसको ऐसे रगड़ देना पूरी तरह से दबा के। तो ये देखिए, जो लाल वाला डब्बा है ये 97 नंबर, इसको पहले लगाना है आपको 3 बार, और उसके बाद ये WP जो है 29 नंबर, इसको आपको बाद में 3 बार लगाना है। ये लगने के बाद जब दूसरा लगाएंगे ग्रीन वाला डब्बा माल लगाएंगे, तब आपको पैड चेंज कर देना है। पहले आपको रेड वाला लगा देना है पूरे में, रेड वाला लगाने के बाद फिर आपको ग्रीन लगाना है। तो ग्रीन जब भी आप लगाएंगे तो आपको पैड चेंज कर देना है। तो ये देखिए, अगर प्राइस की बात करें तो इनमें प्राइस 3000 के आसपास डला हुआ है, जो आपको इससे प्राइस से काफ़ी कम के मिल जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से आपको बफिंग पैड इसमें इसी तरह से चलाना है, और 3 बार आपको रेड वाली लगानी है, 3 बार आपको ग्रीन वाली लगानी है। आपका पॉलिस्टर बिल्कुल शीशे की तरह चमक जाएगा। तो इस तरह से आपको बराबर से इसको लगाते रहना है। और ये देखिए, लगाने के बाद कपड़े से पोंछ देना, कुछ ऐसी चमक देखिए, ऐसी चमक आने लगी है। तो जैसे ही आप जितनी इसको रबिंग लगाएंगे उतनी चमक पॉलिस्टर में आती है। तो पॉलिस्टर की सबसे पहले आपको मंजाई कर लेना, मंजाई में आपको सारे रेगमार लगाने हैं, रेगमार कोई भी मिस नहीं करने, और रेगमार पानी के साथ लगाने हैं। और जब भी आप बफिंग भी करेंगे तब भी इसमें आपको, आप जब ये अपनी रबिंग लगाने के बाद फिर आपको इसमें पानी डालना होगा, सादा पानी डालना है। पानी डालने के बाद पैड से आपको इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद फिर इसको पैड से आपको रगड़ते रहना जब तक आपकी चमक दिखने लग जाए। जब चमक दिखने लग जाए तभी आपको बंद करना, और कपड़े से फिर इसको एक बार सफाई कर देना है। तो ये देखिए, इसी तरह से 3-3 बार दोनों रबिंग को आपको लगाना है पूरी तरह से। पैड को पूरी तरह से चलाना है, कहीं भी छूटने ना पाए, एक बराबर से चलाएं, तभी आपको पूरे में एरिया में जितना भी आपका ये एरिया है पॉलिस्टर का वो पूरे में चमक बराबर से आएगी। तो इस तरह से पूरे में बराबर से पैड एकदम चलाते रहना है। ये नहीं कि थोड़ा सा चलाया बंद कर दिया पैड, इसमें जितना आप दबा के जितनी देर चलाएंगे, जितना ज़्यादा चलाएंगे उतनी चमक आएगी, क्योंकि पॉलिस्टर में चमक निकालने में थोड़ा समय लगा है। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, और एक बार या दो बार ना लगाएं, पूरे 3 बार लगाएं। यदि आपको लगता है कि चमक कम आ रही है तो उसमें 4 बार भी आप रबिंग लगा सकते हैं, तो चमक आपकी पूरी आ जाएगी। तो रबिंग आप कम ना करें, रबिंग आप ऐसे बराबर से लगाते रहें। तो ऐसे ही रबिंग आपको पॉलिस्टर की करनी है। पॉलिस्टर की रबिंग करने में कोई अलग सा कुछ नहीं करना है, जैसे आप PU की रबिंग करते हैं वैसे ही पॉलिस्टर की रबिंग करनी है। तो ये देखिए, हमारा रेड वाला डब्बा से माल हम 3 बार लगा चुके हैं, तो अब हम एक ग्रीन वाला लगाते हैं। तो पूरा हम लगाने का पूरा वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम कुछ शॉर्ट करके आपको दिखा रहे हैं। तो अभी हम ये दूसरी रबिंग लगा रहे हैं ग्रीन वाले डब्बे से, आपको ये देखिए हम लगा रहे हैं। तो ग्रीन वाले से भी उसी तरह से पानी डालने के बाद आपको पैड को पूरा रगड़ के इसमें दबा के इसमें पैड को चलाना है, ताकि पूरी तरह से चमक निकले। जब ये देखिए, जब तक आपकी रबिंग रहती है तब तक आपको पैड चलाना है। जब रबिंग खत्म हो जाए तो कपड़े से साफ करने के बाद आप दोबारा से इसमें रबिंग लगा लें, उसके बाद फिर आप इसमें पैड चलाएं।
तो इसी तरह से आपको इसको भी पूरे 3 बार लगाना है, एक बार भी मिस नहीं करना। तो ये देखिए ऐसी चमक इसमें भी आने लग जाएगी। ये देखिए उधर आधे में लग गया, अब इधर लास्ट में लगा रहे हैं तो इधर देखिए ऐसी चमक आपको इसमें भी मिल जाएगी, चमक पूरी आएगी। चमक के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो हमने पॉलिस्टर किया है ग्लोसी में पॉलिस्टर है, तो आप यदि चमक वाला करना चाहते हैं ग्लोसी ही डालें, मैट बिल्कुल भी न डालें, क्योंकि फिर मैट में चमक नहीं आएगी इतनी। तो इसलिए जब भी आप करें पॉलिस्टर तो उसको ग्लोस चाहिए तो ग्लोस में करें, मैट चाहिए तभी मैट में माल डालें जैसा आपको चाहिए। तो इसी तरह से देखिए ये आपको 3 बार एक ग्रीन वाली लगा देनी है, आपकी चमक पूरी तरह से इसमें पॉलिस्टर में आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से पैड चलाना है, कहीं भी छूटने ना पाए, बराबर से ऐसे इसमें पूरी तरह से बफिंग कर देनी है। ये देखिए इसी तरह से आपको इसमें बफिंग कर देना है पूरे में, पैड को दबा के ही चलाना, पैड हल्के हाथ से नहीं चलाना कि पैड ऊपर ऊपर चलता रहे और कटाई ना करे, कटाई भी होनी चाहिए तभी चमक पूरी तरह से इसमें खिल के आती है। ये देखिए ऐसे ही आपको लगा देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को पॉलिस्टर की मंजाई और पॉलिस्टर में रबिंग करने का प्रोसेस पूरा समझ आ गया होगा। यदि हमारा ये वीडियो आप सभी लोगों को समझ पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हम आप सभी लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।